उदे जीवन दे विच रस नहीं है, सुकी लकड़ी दी तरह उदा जीवन हो जांदा है। पर परमात्मा दे नाल जुड़ जावे, उदी याद दे विच जुड़ जावे, मनुखी मन ता अंदर खेड़ा आ जांदा है, रस आ जांदा है। से सतगुरु कहिंदे ने सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार है। जेड़ी जीव इस्त्री ने अपने मन अंदर परमात्मा दे नाम नू आधार बना लिया कि मेरी जीवन दा मेरी जिंदगी दा आधार वाहिगुरु दी याद है, जिदा प्यार परमात्मा दे सोने चरणा कमलां दे नाल पै गया, जिस दा मन परमात्मा दे प्यार दे विच रंगिया जांदा है, उदा मन वाहिगुरु दे नाल दिन रात जुड़िया रहिंदा है, उदी बेरसी मुक जांदी है, उदे जीवन दे विच रस आ जांदा है, खुशियां आ जांदियां ने, खेड़ा आ जांदा है, हरिया भरिया हो जांदा है, उदा जीवन मौल जांदा है, परमात्मा दा नाम ही उदी जिंदगी दा आसरा बन जांदा है, वह फिर होर किसे पासे उदा ध्यान नहीं जांदा। बिखिया रंग कुड़ावया दिसन सबे शार, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। महाराज कहिंदे ने कि उनू फिर दुनिया दे रंग तमाशे ये सब धन पदार्थ वस्तुआं जड़ियां ने स्वाह की तरह शार की तरह नजर आउंदियां ने, माया दे रंग जेड़े ने बिथवे रंग ये कूड़े नजर आउंदे ने। उनू समझ आ जांदी है ये जो कुछ भी पसारा है, जितने भी रंग तमाशे हैं, ये सब कूड़े हैं। सच्चा नाम जड़ा है परमात्मा दा, वो अटल जीवन देन वाला है। इस करके माया दे मोह तो उदा मन जड़ा है वो चुकिया जांदा है, कूड़े रंगा तो उदा मन जड़ा है हट जांदा है, सच्चे परमात्मा दे नाम दे विच लग करके उदा मन दिन रात परमात्मा दे चरणा दे विच जुड़िया रहिंदा है, भिज्जिया रहिंदा है। उनू सब कुछ जो कुछ भी दृष्टमान पसारा है, कूड़ राजा, कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन हार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े निह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। वो तो उहदे चरणां दे विच फिर इदां बेनती करता है कि तेरे अगे बेनती है, हे सच्चे पातशाह तेरे तो बिना सब कूड़ ही कूड़ है, तेरे तो बिना सब नाशवंत है, एक तू सजीवी है, अटल होंद वाला है, सदा रहण वाला है, उस सदा रहण वाले दा प्यार ही सदा रहण वाला है, ते वो प्यार दिन रात उस जीवात्मा दे अंदर बनिया रहिंदा है। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। जिवें सावण दे महीने दे विच बरखा दियां बूंदा बड़ियां प्यारियां लगदियां ने, बरखा दियां ठंडियां ठंडियां फुहारां जड़ियां ने मन नूं मोहदियां ने, तेवें ही उस जीव इस्त्री नूं वी जिन्हें अपने जीवन दा आधार परमात्मा दे नाम नूं बनाया, किसे होर कर्म कांड नूं नहीं बनाया, जिसने किसे होर कर्म दा आसरा नहीं लिया, केवल एक परमात्मा दी याद उदे सिमरन नूं ही अपने जीवन दा आधार बना करके जीवन जीवना शुरू कर दिता, उसनूं भी परमात्मा दी नाम बूंद अमृत अटल जीवन देन वाली आत्मिक अडोलता देन वाली ये जिहड़ी बूंद है वह प्यारी लगती है, सुहावनी लगती है। जिवें सावण दे महीने दे विच वरखा दियां बूंदा सोहणियां मन नूं पाउंदियां चंगियां लगदियां ने,
जीवात्मा नूं भी फिर परमात्मा दी नाम बूंद ही चंगी लगती है। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार, साधु गुरु दे नाल मिल करके वह अमृत बूंद नूं पींदी है, वह परमात्मा दी याद दे विच जुड़ी रहिंदी है, दिन रात उहदे सिमरन दे विच ही उहदा मन जिहड़ा है लग्या रहिंदा है। धोखा धड़ी दूसरियां दे नाल तक्का करना ये सारा कुछ उहदा मुक जांदा है, खत्म हो जांदा है। उहदे जीवन दे विच कूड़ियां गल्लां कोई थां नहीं रखदियां। उहदे जीवन दे विच एक जगह ऐसी नाम दी बन जाती है, उस तो सवा होर छल फरेब किसी तरह का लोभ लालच ये सब विकार जेड़े ने इन्हां वास्ते कोई थान नहीं रहिंदी। नाम अमृत बूंद दे विच ही मन जुड़िया रहिंदा है। मन पीवे सुन शब्द विचारा, उहदे अंदर चिम चिम नाम अमृत की बरखा होंदी रहिंदी है। चिम चिम बरसे अमृत तारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। उहदा मन पींदा रहिंदा है गुरु दियां शब्द विचारां नूं। वाहिगुरु की सिफत सलाह दी बाणी जिहड़ी है उहदे अंदर मौलदी रहिंदी है, उहदा मन जुड़िया रहिंदा है, किधरे होर नहीं ध्यान जांदा। साधु गुरु की ऐसी कृपा उहदे उपर हो जांदी है, गुरु की संगत दे विच ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਬੂਟਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਿਨਮੇ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕੌਰ ਕਰਈ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੀ ਮਿੱਤ ਉਹਦੀ ਗਹਿਣ ਗੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਈਏ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜੋਖਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਬਾਦਮ ਕਾਇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀਓ ਗਿਆਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀਓ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਲ ਬ੍ਰਿਧ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਪੁਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਲ ਬੈਸ ਬ੍ਰਿਧ ਗਿਆਨ ਮੈਂ
समर्थ श्री गुरुदेव, गुरुदेव जी सब कुछ करन दे समर्थ हन। तो समर्थ गुरु दे अगे जदों एक ऐसे व्यक्ति नूं उन्होंने सोच समझ करके परखण वास्ते कि इहनू कुछ नहीं आउंदा, छज्जू झीवर नूं बिठा दिता जिन्हों उह जाणदे समझदे सन कि यह अनपढ़ है, गवार है, यह बोला भी है, इहदी इहनू सुणदा भी कुछ नहीं है। गुरु हरकिशन साहिब सच्चे पातशाह जी दे सामने बिठा दिता गुरु की परख लैण वास्ते। अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी मेहर की दृष्टि, अपनी कृपा की दृष्टि बाला प्रीतम ने छज्जू झीवर के उपर पाई। वो जड़ा बाणी का सच खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। वो मूर्खा नू पंडित बनाउन वाला, विद्वान बनाउन वाला एक वचन बाणी का है, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रे पवन सूझिया गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। साधु गुरु की महिमा महाराज कहिंदे ने, हे मेरे मित्र सुनो, ओदी संगत का की लाभ मिलता है, ओदी संगत दे विच नाम बूंद अमृत नू जपन दा, उस प्रभु दे नाम सिमरन दा की महात्म मिलता है, जीवन दे विच केड़ी प्राप्ति हुंदी है। कहिंदे हे मेरे मित्र ए सुनो उस गुरु की महिमा, उस साधु की महिमा। पिंगल पर्वत पार परे, पिंगले भी पहाड़ ते चढ़ जाते हैं, जेड़ा चल नहीं सकता वह भी पहाड़ ते चढ़न दे समर्थ हो जाता है। जिसनू बोलना नहीं आउंदा, जिस जेड़ा कोई पढ़िया नहीं, कोई दुनियावी अखर नहीं जानता, जे उस गुरु की कृपा हो जाए, उस साधु सतगुरु की मेहर हो जाए उस अनपढ़ दे उपर, तां वो चार वेदां दा बक्ता बन जाता है। खल चतुर बकीता, अंधले त्रे भवन सूझिया, अन्ने नूं वी तिन्ना भवणा की सोझी आ जाती है। गुरु नूं मिल करके, गुर भेट पुनीता, गुरु नूं मिल के, साधु नूं गुरु नूं मिल करके वो पवित्र हो जाता है। भेट का मतलब है मिलना, भेट दे टैंके नूं सिहारी है, जिहदा मतलब है मिल करके पवित्र जीवन वाला हो जाता है। जिहड़ा पतत हुंदा है, जिहड़ा जिहदे जीवन दे विच निगार हुंदा है, वो सब मुक जाता है। गुरु उस नूं अपने ज्ञान दे नाल, अपनी मेहर दे नाल, अपनी बख्शिश दे नाल पवित्र जीवन वाला बना दिंदा है। यह है महिमा गुरु दी। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता, उहदे जीवन दी सारी मैल निकल जांदी है, करोड़ां ही पापां दा उहदे जीवन दे विच्चों नाश हो जांदा है, चित मन निर्मल पवित्र हो जांदा है। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती, जीता कीड़ी भी हाथी नूं जित जांदी है। भाव कि जिहड़ा हउमे हाथी दी तरह है, हंकार निम्रता रूपी कीड़ी उसनू खा जाती है। प्रभु की भगती दे नाल, गुरु दे ज्ञान दे नाल ऐसी निम्रता अंदर जन्म लेंदी है, मन ऐसा निम्र हो जाता है कि ये निम्रता अंदर दे हंकार रूपी हाथी नू होमे नू खा जाती है, निकल जाती है। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती, जीता सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता, कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता। मैं की दसा, कहिंदे महाराज गुण उस दे, उहदी महिमा बेअंत है, वो कृपा कर दे वे सब कुछ कर सकता है। बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने अपनी मेहर दी, अपनी कृपा दी छड़ी जिहड़ी सी छज्जू झीवर दे सिर दे उपर रख दित्ती। उच्च जातियां ने यह साजिश रची सी, शूद्र जाति दे छज्जू नूं गुरु दे अगे बिठाया सी।
जिन्हां दे बारे ये कहा जांदा सी कि इन्हां शूद्रां नूं संस्कृत विद्या पढ़न दा कोई अधिकार नहीं, ना पढ़न दा, ना सिखण दा, ते ना ही सुनन दा अधिकार है। आ गए गुरु दे कोल, कहण लगे नाम तुसां कृष्ण जी दे नालों भी वड्डा रखिया है, हर कृष्ण असी ते तां जाणीए तां मन्नीए समझिए कि वाकया ही तुसी गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो, महान हो। तुहाडी उम्र नू देख करके नहीं लगता कि वो बख्शिशां वो कृपा जिहड़ियां ने तुहाडे अंदर होण, तां ही जाणीए समझिए। जे तुसी गीता दे अर्थ सानू करके दिखाओ, ये बचन कहे सन महाराज ने कहा असीं कि जिहदे कोलों तुसीं करवाउणा चाहुंदे हो, जिहनूं तुसीं समझदे हो इहनूं कुछ नहीं आउंदा, इह कुछ नहीं जाणदा, उहनूं लै आओ जे गुरु नानक दी गद्दी दी परख करनी है। वह बड़ा समर्थ है, वह गुरु नानक जिस दे थां दे उपर मैनूं मेरे गुरु ने बिठाया है, वह सर्वशक्तिमान सब कुछ है, सब कुछ कर सकण वाला है, वह सब कुछ कर सकता है। लै आंदा बिठाया, ऐसी कृपा की निगाह की, ऐसी कृपा की छड़ी सिर के उपर रखी। ओ जेड़ा मैं बचन हुणे ही सुनाया है, खल चतुर्भ कीता, चार वेदां दा ज्ञाता कर दिता, सतगुरु मेहर करके कर देंदे ने उसनू, उस खल नू, उस मूर्ख नू भी जेड़ा उन्हां दियां नज़रां दे विच मूर्ख सी, अनपढ़ सी, गवार सी, गुरु दे सरमुख वह गीता दे श्लोकां दे अर्थ इस कदर करन लग पिया जिवें वह बड़ा विद्वान होवे। एक अच्छे वक्ते दी तरह, विद्वान दी तरह वह बोलन लग पिया। सब ने मूँह दे विच उंगलां पा लईयां सन, जदों उहदी कृपा हो जावे वह सब कुछ कर सकता है, वह समर्थ है। महाराज कहिंदे ने वह समर्थ पुरख जिहड़ा बेअंत है, वह सारियां थावां दे उपर मौलिया होया, रमिया होया फिर नज़र आउंदा है। ये पंक्तियां जिथों तक आपां विचार कीती है एक बार समझ लिया जाए, जिहदा मन एक परमात्मा दे चरणा कमलां दे नाल जुड़ गया, जिसने होर सब कुछ कूड़ा जाण करके, कूड़ा नेह जाण करके सच्चे प्रभु दे प्यार नूं अपने अंदर टिका लिया, उस परमात्मा तो सवा किसे होर दूजे तीजे नूं थां ना दित्ती अपने मन दे अंदर, इक्को ही करते नूं अपने मन दे विच जगह दित्ती, उहनूं फिर उह समर्थ पुरख जिहड़ा है उह जंगलां विच, तिण विच, घाह विच, सारियां थावां दे उपर, पर्वतां, पहाड़ां, पाणी, थल, जल थल, महियल पूरिया, स्वामी सिरजनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार, वह सारिया थावां ते वह समर्थ पुरख जिहड़ा है नज़र आउंदा है। मौलिया होया, रमिया होया दिसदा है, उन्हूं महसूस हुंदा है, वह मालक जिहड़ा है सर्वे एक अनेके स्वामी, सब घट भुगवै सोई, कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई, वह सारिया घटां नूं भोग रहा है। रंग रत्ता मेरा साहिब रब रहिया भरपूर, वह सब थावां ते भरपूर है, रब रहिया है, वह माछी भी आप है, मछली भी आप है, जाल भी आप है, ते जाल पाउण वाला भी आप है, आपे अंदर जाल, आपे जाल मनकड़ा वह भी आप ही है, सब कुछ आपे ही आप है। उन्हों सारियां दे विच वो इक्को ही करता पुरख नज़र आउंदा है, वह करता पुरख सब थावां दे उपर अंदर बाहर वह अनंत ही अनंत दिसदा है। रविया होया पूरिया होया, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहो भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्ब लोक पूरन पतपाल, वन तिन परबत है पार ब्रह्म, जैसी आग्या तैसा कर्म, तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, कोई थां उस तो पिन उस तो अलग नजर आउंदी ही नहीं है। ओ मालक जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतो ना जाई,
रव रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई। वो फिर अपने मन नू समझाउंदा है, हे मन वो ते सारियां थावां थावां दे विच रमिया होया पूरिया होया है, तू उस नू त्या, उस दा सिमरन कर। संत जन धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने उहनू ही त्याउंदे ने, आद पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, सर्वत्र रमणं, जेड़ा सारियां दे विच रमिया होया है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनाशन जगदीशर है, वह पापा के नाश करने वाले जगत के मालक नू सिमरते हैं, त्याउंदे हैं, उस याद दे विच ही जुड़े रहिंदे हैं। फिर उस जीव इस्त्री दे मन दे अंदर चा पैदा हुंदा है। केड़ा चा पैदा हुंदा है? हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। उस करते पुरख नू, उस सारियां थावां ते वसे रमे होए वाहिगुरु नू मिलन दा हरेक दा मन चाहुंदा है। हर कोई चाहुंदा है उन्हूं मिलना, पर बंदे दी कार गुजारी जिहड़ी है उहदे कर्म इन्ने समर्थ नहीं हन कि उसनूं मिला सकन। असीं समझीए इत्थे कर्म दे मम्मे नूं सियारी है, ते इत्थे कर्म दा अर्थ परफॉर्मेंस नहीं है, किरिया नहीं है, इत्थे कर्म दा अर्थ जिहड़ा है बख्शिश है। क्योंकि बंदे दे कर्म इन्ने समर्थ नहीं कि वह परमात्मा नूं मिला सकन। हाँ, चंगे कर्म करन दा सानू हुक्म दिता है गुरु ने, असी वह कम करिए, वह कर्म करिए जिहदे नाल साडा मुख साफ रवे, साडा दमन जिहड़ा है वह साफ रवे, चिट्टा रवे। ऐसे कर्म करिए कि दाग दोष ना लगन जीवन दे विच, ऐसे कर्म ना कमाइए कि दाग दोष मुंह चलिया लाए, दरगे बैसण ना ही थाए वाली गल हो जाए। ध्यान रखिए, सोई कर्म कमाए जित मुख उजला, ओ कर्म कमा जिदे नाल मुख उजला होवे। जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वई साईं दे दरबार। किन्नियां उदाहरणां हन साडे समाज दे विच जिन्हां जिन्हां ने जिदा जिदा दे कर्म कमाए सन, वह दाग दोष ऐसे मूँह दे उपर लगे, उन्हां नूं उन्हां दे सारे जिंदगी दे तप भी ना मिटा सके जो वह करते रहे, उन्हां कर्मां दे दाग ऐसे मूँह दे उपर लगे। कई जेलां दे विच पए सड़ रहे ने, गल रहे ने, कोई किते धक्के खा रहा है, कोई किते ठोकरां खा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कोई बंदा कर्म करता है तो उन्हूं उस कर्म का चंगा मंदा फल जिहड़ा है वह जरूर मिलता है जिद्दां दे वह कर्म करता है, पर परमात्मा का मिलाप उहदी बख्शिश नाल हुंदा है, कर्म दे नाल नहीं, उहदे कर्मां दे नाल नहीं। चंगे कर्म करदिआं होइआं, इह ध्यान दे विच रखदिआं होइआं, जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, उहनां नूं विसार करके जिन्हां कम्मां दे विच कोई इज्जत नहीं है, मतां किते साईं दी दरगाह दे विच शर्मिंदगी उठाउणी पए, बाबा फरीद जी ने सानूं समझाया है, जीवन दे विच उह कर्म करने ने जिहड़े चंगे हन, पर कर्मा दी टेक नहीं रखनी। टेक जेड़ी है, आसरा जेड़ा है, उहदी बख्शिश दा रखना है। यह पहलों ही पहली पंक्ति दे विच ही बारह माह दी विच समझा दिता सी, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो। हाँ, विछड़े जरूर अपने कर्मा दे कारण, हाँ, पर साडे कर्म नहीं तैनू मिला सकते मालक, तेरी बख्शिश मिला सकती है, तेरी कृपा मिला सकती है, तेरी कृपा ही समर्थ है तेरे नाल सानू मिलाण दे विच। इस करके कर कृपा मिलो राम, ये अरदास कीती सी, कृपा करके मिल लो अपने नाल। ते महाराज कहिंदे ने हर मिलने नूं मन लोचदा, कर्म मिलावन हार, उहदी बख्शिश मिलाउण वाली है, उहदी मेहर मिलाउण वाली है। जिन्नी सखीए प्रभ पाया, हों तिनकै सद बलहार।
हे सखी हे सहेली जिन्ना ने उस मालक परमात्मा नू पाया है ओदी कर्म ओदी बख्शिश दे नाल ओदी कृपा दे नाल मैं उन्हां तो सदके जांदी हाँ बलहार जांदी हाँ असी भी जाइए सदके उन्हां तो जिन्ना ने उस परमात्मा नू पा लिया है जिन्ना ने उहदा मिलाप हासिल कर लिया है उन्हां सुहागणा तो उन्हां सुहाग भाग वालियां तो उन्हां बंदगी वालियां रूहां तो सदके जाइए उन्हां नाम जपण वालियां रूहां तो कुर्बान जाइए ताकि साडे अंदर भी चा पैदा हो जाए उहदे मिलाप दा उहदे नाम नू अपनी जिंदगी दा आधार बनाउण दा अपने अंदर उहदे चरणा कमलां दा आसरा जिहड़ा है वह बनाउण दा साडे अंदर भी चा पैदा हो जाए असी भी आखिए हाँ कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हाँ कुर्बाने जाऊं हाँ कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हाँ कुर्बाने जाऊं हाँ कुर्बाने जाऊं तिना के हाँ कुर्बाने जाऊं तिना के लैण जो तेरा नाऊं लैण जो तेरा नाऊं लैण जो तेरा नाऊं तिना के हाऊं सद कुर्बाने जाऊं लैण जो तेरा नाऊं तिना के हाऊं सद कुर्बाने जाऊं सदके जाइए बलहार जाइए महाराज कहिंदे ने हाँ तिन कै सद बलहार अगली पंक्ति च अरदास करदे ने नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार महाराज कहिंदे ने हे नानक बेनती करते आख हे प्रभु मेरे उत्ते मेहर कर तू आप ही गुरु दे शब्द राही मेरी जिंद नू मेरे जीवन नू सवारन वाला है शब्द दे दद्दे नू सियारी है शब्द दे द्वारा अखीरली पंक्ति च कहिंदे ने महाराज सावण तिन्ना सुहागणी जिन राम नाम उर हार सावण दा महीना उन्हां भागां वालियां जीव इस्त्रियां वास्ते खेड़ा ते ठंड लियाउण वाला है जिन्हां ने अपने हिरदे रूपी गल दे विच प्रभु परमात्मा दे नाम रूपी हार नू पाया है अपने गले दे विच हिरदे रूपी गले हार विच केड़ा हार पाना है वाहिगुरु दी याद दा प्रभु दे सिमरन दा हार गल दे विच पाना है अज महान योधे गुरु के सूरमे सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कब हूना छाडे खेत भाई तारू सिंह जी पूले नगर दे रहन वाले जिन्हां दे गुरमुख गुरसिख महान माता ने इकल्लियां ही उन्हां दा पालन पोषण कीता ऐसी गुरमत दी जाग लाई जीवन दे विच ऐसे गुरसिख गुरु के प्यारे हो सके हो निबड़े जिन्हां ने अपनी उपजीविका दे नाल उस समय गुरमखा गुरसिखां दी सेवा दा जिस समय जकरिया खान दा राज सी ते सिखां दे घर घाट जिहड़े सन वह जंगलां दूर दरेडे थावां दे विच सन जिस वक्त कौम दे उपर भारी विपता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत तों बाद उस समय दे विच अपनी उपजीविका दे नाल गुरमुखां गुरसिखां दी सेवा दा भी बीड़ा चुकिया होया सी आया गया दी सेवा करदे सन लंगर छकाउंदे सन हर भगत निरंजनीए ने जकरिया खान दे कोल चुगली खाधी जदों उहने पुछिया ना कि इस वक्त कौन है ऐसा जिस वक्त असी समझते हाँ कि कोई सिख जड़ा है वह नज़र नहीं आता तो भाई तारू सिंह जी दे बारे दसिया पकड़ करके लै गए लाहौर जकरिया खान दे सामने जकरिया खान ने उन्हां नू कहा
साफ स्पष्ट आख दिता कि असी तो वाहगुरु का दिता खाते हाँ, तुहाडा टैक्स भी तारदे हाँ, सब कुछ असी जो सरकार का बनता है देंदे हाँ, उहदे विच अपनी उपजीविका दे विचों जे असी किसी नूं लंगर छकाउंदे हाँ तो फिर तुहाडा की जांदा है इहदे विच। सूरमे ने साफ आख्या, कहन लगे ये तो सिखी जिहड़ी है, उन्होंने कहा फिर या तो ये छड्डो, शरा कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ। भाई साहब कहन लगे ये सिर तो जा सकता है, सिखी सिदक नहीं जा सकता। ये सिखी केसा श्वासा के नाल निभेगी। उन्होंने कहा कि केस दे दियो। कहन लगे ये केस जेड़े ने ये गुरु की मोहर ने, ये गुरु की मोहर ये जान तो भी प्यारे ने, जान तो दी जा सकती है ये बदले, पर इन्हों नहीं दिती दिता जा सकता। सिखी केसा संघ निभै हो ताहे ता सिखी नाहे तजे हो, ये इन्नी प्यारी है। अज सानू ये प्यारी नहीं लगती, अज उस महान शहीद दे शहीदी दिहाड़े दे उपर सानू सिखिया लैनी चाहीदी है। सिखी केसा स्वासा संग निभाउण वास्ते कलगी तरदी बख्शी इस सिखी नू, इन्हां केसा नू मैं नौजवान वीरां अगे बेनती करांगा जिहड़े अज दे मीडिये दे विच देख देख करके, फिल्मां देख देख करके, जां आले दुआले नू देख देख करके अपने सिखी स्वरूप तो दूर हुंदे जा रहे हन, गुरु दे बख्शे केसां तो दूर हुंदे जा रहे, अपने हत्थी ही अपने गुरु दे केसां दी बेअदबी कर रहे हन। भाई तारू सिंह दे वारस कहाउण वालियां नू दोनों हाथ जोड़ के बेनती है कि अपने रोमां दी बेअदबी ना करन। जे अज उन्हां महान शहीदां दे असी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जेड़े बेअदबी करते हैं वो अज दे दिन प्रण करन कि असी केसां दी बेअदबी नहीं करांगे। जिवें भाई साहब ने अपनी सिखी स्वासा केसां स्वासा नाल निभाई है, असी निभावांगे। मालक कृपा करन, बेअंत भुल्लां दी खिमा सारियां दी सतगुरु बाला प्रीतम हाजरी प्रवान करन। ये महीना आने वाला समा सुख सुखा भरिया बतीत होवे। गुर फतेह दी सांझ करो, गज बज के बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।